अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज का व्लॉग जो है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मंडे मॉर्निंग आप सब जानते हैं बहुत काम होते हैं, और प्लस आज तो भैया इतने ढेरों कपड़े थे कि धोते धोते थक गई, और अभी भी वो बाहर सूख रहे हैं, अभी मैंने उन्हें उतारना है, फोल्ड करके रखना है। तो इतना काम होता है ना मंडे को कि करते करते कब पूरा टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज इसलिए मेरे को लेट हो गया और आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है, प्लस आज प्रपोज डे भी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सातों दिन अलग अलग तरीके की रेसिपीज ट्राई करेंगे डिनर के लिए, जो भी हमें पसंद है वो हम बना बना के खाएंगे। वो प्रपोजल आया है पनीर बनाने का, क्योंकि शादी के बाद विल यू बी माय वैलेंटाइन, विल यू मैरी मी वाले प्रपोजल तो चलते नहीं है भाई, तो खाने के ही प्रपोजल चलते हैं। तो मेरे पास जो प्रपोजल आया है वो आया है पनीर बनाने का। तो आज मैं पनीर से दो डिशेस बनाऊंगी, बनानी मुझे एक ही थी लेकिन पनीर ज्यादा है और अगर मैं उसे रखूंगी तो वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं दो रेसिपीज बनाऊंगी और दोनों में ही पनीर यूज करूंगी। तो एक ड्राई हो जाएगा और एक ग्रेवी वाला हो जाएगा, तो वो तो अभी मुझे बनाने की खैर तैयारी करनी है। लेकिन जब बजते हैं शाम के 5 तो क्या बनता है, बनती है चाय। तो फटाफट बनाएंगे हम चाय, और चाय जब तक बनेगी तब तक मैं अपने बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें भी उतार के रख दूंगी, और चाय पीने के बाद यार फोल्ड करूंगी, क्योंकि एनर्जी ना तभी आती है जब चाय मिलती है। तो चलिए फटाफट चाय बना लेते हैं। स्वाभाविक गया है अभी मम्मी के यहाँ, क्योंकि वो सुबह नहीं गया था तो उसका मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर दादी के यहाँ चला जाऊँ, तो मैं उसे अभी अभी छोड़ के आई हूँ, और जब तक वो नहीं आ रहा है ना तब तक मेरा डिनर बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था आज पनीर बनने वाला है घर में, तो पनीर की दो रेसिपीज मैं बनाने वाली हूँ, पहला है पनीर चेती नान और दूसरा है पनीर टिक्का। तो पनीर चेती नान जो है, वैसे चिकन चेती नान आपने सुना होगा वो बनता है, उसी का मैं पनीर चेती नान बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज घर में नहीं बनाती हूँ, और पनीर टिक्का मैं बनाऊंगी। सबसे पहले पनीर चेती नान प्रिपेयर करेंगे, और जो पनीर टिक्का का पनीर है वो मैरिनेट करके रख देंगे, क्योंकि वो तो तभी बनेगा जब मेरे हस्बैंड आएंगे, तभी मैं उसको बनाऊंगी, उसे बना के रखने का तो कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, जो पनीर चेती नान है ना वो मैं बना के रख दूंगी। क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या स्पाइसेस मुझे चाहिए वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, और फिर उसे बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो लेट्स गो। चिकन चेती नान बनाने में हमें ये सारी चीज़ें लगती हैं, जो जो चीज़ें मैंने ली है मैं आपको बता देती हूँ। ड्राई मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया के बीच, 1 स्टार अनीस, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 4 लौंग और 4 ही मैंने लिए हैं सूखी लाल मिर्च। उसके अलावा मैंने लिया है कड़ी पत्ता, ग्रेटेड कोकोनट, अदरक का पेस्ट है, सॉल्ट है, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और ग्रीन चिलीज। साथ ही हम लेंगे पनीर 200 ग्राम, 2 मीडियम टमाटोज, कोरिएंडर एंड लेमन। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ये सारे खड़े मसाले अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो मैं पहले इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, जब तक कि इसका कलर इस तरीके से नहीं हो जाता। मेरे सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अच्छी सी स्मेल आने लगी है, और अब सारे मसाले एक जार में ट्रांसफ़र करके इसमें थोड़ा पानी मिला के हमें एक पेस्ट बना लेना है। इस तरीके का हमने पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है, और फिर हमने रखनी है कढ़ाई, उसमें डालना है सरसों का तेल, साथ में कड़ी पत्ता, और ये पेस्ट हम उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हमें इसे भूनना है, और हमने जो अदरक का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें मिला लेंगे, और सबको हम अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे चॉप टमाटोज, मैंने ये चॉपर में चॉप किए हैं, इसको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, और साथ साथ जितने भी मसाले थे, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ग्रीन चिलीज, वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे, और साथ ही हम इसमें मिला देंगे ये कोकोनट, ये ताज़ा नारियल है जो ग्रेट करके मैंने रखा है, आपके पास सूखा नारियल है वो भी आप ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। वो मिलाने के बाद इसे अच्छे से भून लीजिएगा फिर से, जब ये ऑयल सेपरेट होने लगे इसमें से, इस मसाले में से, तो हम इसमें ऐड करेंगे ये पनीर के क्यूब्स। सारे पनीर क्यूब्स डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पूरा मसाला प्रॉपरली सारे पनीर क्यूब्स पर अच्छे से लग जाए, और अब 5 मिनट तक ऐसे ही पकने छोड़ दिए। 5 मिनट पकने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप
करीब पानी, मैंने एक कप करीब पानी इसमें मिलाया है और अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे लेमन, हाफ लेमन हम यूज़ करेंगे इसमें, तो हाफ लेमन मैंने इसमें मिला दिया है और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना भी आपको नमक डालना है आप इसमें नमक मिला लीजिए। और अब इसे खुले में 5 मिनट के लिए और पकाइए। तो रेडी है ये पनीर चेती नान, इसे कोरिएंडर के साथ गार्निश कीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। तो पनीर चेती नान तो बन गया, पनीर टिक्के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है दही, उसमें डाला है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 छोटा चम्मच, उसके साथ साथ मैंने इसमें डाला है सौंफ पाउडर 2 छोटा चम्मच, और मैंने इसमें डाला है गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ साथ मैंने इसमें मिलाया है नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं। और इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच बेसन और 1 ही बड़ा चम्मच मैंने इसमें मिलाया है राइस फ्लावर। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे, जब तक कि सारे मसाले अच्छे से दही में मिल नहीं जाते एक और एक प्रॉपर पेस्ट तैयार नहीं हो जाता। और अब हमने इसमें मिलाया है 1/2 नींबू का रस, इसमें अच्छे से मिला दीजिएगा। और साथ ही इसमें डालेंगे हम अजवाइन, ये 1 छोटा चम्मच अजवाइन है, इसे अच्छे से क्रश करके इसमें मिला देंगे और सारी चीज़ें अच्छे से दोबारा से हमें मिक्स कर लेनी है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, वेजिटेबल्स में मैंने चॉप किया है 1 कैप्सिकम, 1 अनियन और 1 टमाटो, और सबको मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया है और इसमें अब मैं डाल दूंगी। और इसके साथ साथ मैं डालूंगी इसमें पनीर, जो इतना भी पनीर आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये 100 ग्राम करीब पनीर है, उसके क्यूब्स हैं वो मैं इसमें मिला दूंगी। और अच्छे से सारा मिक्सचर हम इसमें मिला लेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो जानी चाहिए, तब तक हम इसे मिक्स करेंगे, लेकिन हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है, पनीर टूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। वैसे तो लोग पूरे पूरे दिन के लिए रख देते हैं, लेकिन 1/2 घंटे के लिए रखेंगे तो भी सही है, मैंने इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रखा था। अब हम पनीर टिक्का बना लेते हैं। इस तरीके से आप बैम्बू स्टिक्स ले सकते हैं, ये आसानी से मिल जाती हैं मार्केट में, इसमें आप सारी वेजिटेबल्स और पनीर अल्टरनेटली लगा लीजिए, जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, फिर पनीर के क्यूब्स, फिर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, फिर पनीर के क्यूब्स, इस तरीके से आप अपने पनीर टिक्के को अच्छी तरीके से लगा लीजिए। आप डायरेक्ट इसे तवे पे भी सेक सकते हैं अगर आपके पास ये स्टिक्स नहीं है, वैसे भी सेक जाता है आप, लेकिन मेरे पास स्टिक्स थी तो मैंने इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया है। तो आप अच्छे से इनको स्टिक्स पे लगा लीजिए और फिर इसको हम तवे पे सेकेंगे। दूसरी वाली स्टिक भी आप इसी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सारी सब्जी और पनीर लगा के। तो अब तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैंने और इस पे अब मैं ये पनीर टिक्का सेकूंगी अच्छी तरीके से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसी तरीके से पलट पलट के आप सेकते रहिए इसे और ये अच्छे से चारों तरफ से सेक जाएगा। तो देखिए रेडी है पनीर टिक्का, बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो पहले हमने पनीर टिक्का एंजॉय किया और उसके साथ हमने ली सॉफ्ट ड्रिंक और बाद में हमने डिनर किया, यानी पनीर चेती नान और रोटियां। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, दोनों ही चीज़ें हमने बहुत एंजॉय की, स्वाविक को भी अच्छी लगी, मतलब स्वाविक को तो बहुत ही कम चीज़ पसंद आती है लेकिन उसे पनीर टिक्का बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, वो उसने पनीर चेती नान नहीं खाया क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था तो वो उसने नहीं खाया, बाकी उसे पनीर टिक्का बहुत अच्छा लगा। तो हमने डिनर बहुत एंजॉय किया, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनी थी। तो फ्रेंड्स, खाना पीना सब हो गया, डिनर हमारा हो चुका है, पनीर टिक्का भी बहुत अच्छा बना था और पनीर चेती नान भी बहुत अच्छा बना था, हमने चपाती बनाई थी उसके साथ और बहुत डिलीशियस बना था, आप लोग भी प्लीज ट्राई कीजिएगा। तो अभी फिलहाल मेरी किचन पूरी फैली पड़ी है, तो अभी मैं किचन पहले साफ करूंगी और फिर जाके रेस्ट करूंगी। तो पहले किचन साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बाय बोलूंगी। We'll be right back.
साफ कर ली और रात का सारा काम हो गया है कंप्लीट। और अब है टीवी टाइम, थोड़ी देर टीवी देखेंगे। टाइम हो गया है 11, तो थोड़ी देर में क्योंकि चाय बनानी है, आज हस्बैंड ने आने के बाद चाय नहीं पी थी तो चाय बनानी है, तो थोड़ा देर टीवी देखने के बाद चाय बनाऊंगी और फिर हम लोग सोएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।